हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ खास उन लोगों के लिए जो जनरली अपने फ़ोन के जरिए कास्ट या मिररिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले पे, जैसे कंप्यूटर, टीवी या प्रोजेक्टर स्क्रीन। लेकिन कई बार इस दौरान आपको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है वो है वीडियो का रुक रुक के प्ले होना और ऑडियो में जो ब्रेकेज आना। तो ये प्रॉब्लम आपको जनरली अभी फिलहाल देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आप थक चुके हैं सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप इसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो बिना किसी रुकावट के मिररिंग या कास्ट अपने मोबाइल के जरिए। तो चलिए जानते हैं उन स्टेप्स को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके फोन का जिसे आप कास्ट करते हो अगर उसका ब्लूटूथ ऑन है तो उसे ऑफ कर दें। अगले जो कुछ स्टेप्स हैं उसे आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आपको चेक करना है आपके फोन में स्पेस है या नहीं। नेक्स्ट, अगर आप Amazon Fire Stick से अगर मिररिंग करते हो या आपके पास है टीवी जिसमें कास्टिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है या लैपटॉप या प्रोजेक्टर से आप कनेक्टेड हो, तो आपको चेक कर लेना है कि उस डिवाइस में स्टोरेज इनफ है या नहीं। अगर आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये मेरे पास Amazon का फायर स्टिक है और ये मेरे प्रोजेक्टर के साथ कनेक्टेड है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ोन के साथ मिररिंग करके और प्रॉब्लम क्या है वो भी दिखाऊंगा और उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को इस Amazon फायर स्टिक से कनेक्ट कर लेता हूँ मिररिंग के लिए। ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ आप अगर गौर से सुने तो यहाँ पे एक ब्रेकेज है ऑडियो में, और अगर आप गौर से देखें वीडियो में भी आपको प्ले होता हुआ दिखे। तो सबसे बड़ी गलतियां आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पाते हो, और आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे देखा होगा कि मोर अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो आपको सिंपली ये करना है, अगर आपके पास फायर स्टिक है या किसी भी तरह का स्टिक है तो आपको जिस डिवाइस से वो कनेक्टेड है उसके फैक्ट्री रीसेट या रीस्टोर फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाना है और सिंपली इसे रीस्टोर फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में इसे सेलेक्ट करके यस कर देना है। ये मैंने कर दिया है अपने प्रोजेक्टर का। अब हम देखते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ फिर से मिररिंग और फोन से कनेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास Amazon फायर स्टिक है या किसी भी ब्रांड का स्टिक है तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको इन्हें रीस्टोर या फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है। आपको सिंपली उस डिवाइस को रीस्टोर फैक्ट्री रीसेट करना है जिससे वो कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल टीवी है तो उसे करना है, अगर आपके टीवी में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कास्ट का तो आपको अपने टीवी को करना है। तो अभी ये कनेक्टेड हो चुका है। अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा ये सॉल्व हुआ है। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया में इंटरनेट यूजर्स की तो वो लगभग 66 करोड़ के आसपास है, और अगर हम बात करें वीडियो कंटेंट्स देखने की तो लगभग 10.1 लाख वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपनी गैलरी से एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, कहीं YouTube में सही से काम कर रहा हो लेकिन यहाँ ना करे। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो यहाँ भी जो है ये सही से काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है फिर भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हों।